हेलो स्टूडेंट, आओ देखें आज आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो कहलाता है आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो कहलाता है अनादर्श विलयन। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक कोई विलयन है, ये मान लो मेरे पास एक कोई विलयन है और ये जो विलयन है वो ए और बी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ए का जो वाष्प दाब है वो मान लो यहाँ पे 80 mm है और यहाँ पे जो ए के मोल हैं वो मान लो 3 मोल हैं। और अगर हम बी की बात करें तो जो बी का वाष्प दाब है वो 60 mm है और अगर इसके हम मोल की बात करें तो इसका मोल मान लो 2 मोल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस आंकड़े की सहायता से हम राउल्ट नियम से इसका वाष्प दाब निकालेंगे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब जो होता है, वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। अब जरा देखो, यहाँ ए का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। देखो ये वाष्प दाब है और ये मोल प्रभाज है, तो ये ए का वाष्प दाब है और ए का मोल प्रभाज है और ये देखो बी का वाष्प दाब है और बी का मोल प्रभाज है। अब देखो ए का वाष्प दाब दिया है कितना? 80 दिया हुआ है और बी का यहाँ से वाष्प दाब कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोल और नीचे टोटल मोल लेते हैं। तो बताओ ए का मोल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लें और कुल मोल बताओ 3 और 2 को जोड़ लो तो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ देखो ये बी का मोल बताओ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और टोटल मोल बताओ कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करो, इसको यहाँ से कट कर लो, तो जब इसको कट करोगे तो ये चला जाएगा 16 बार में और इसको कट करोगे तो ये चला जाएगा 12 बार में। अगर टोटल वैल्यू देखो तो यहाँ से बताओ कितना हो गया, ये हो गया 48 और ये हो गया 24। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये वैल्यू आ गया 72 mm, 72 mm। ये जो 72 mm वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस विलयन का कुल वाष्प दाब आ रहा है। तो ये जो कुल वाष्प दाब तुम लेके आए हो वो कहाँ से लेके आए हो? जब तुमको आंकड़ा दिया गया तभी है ना। और ये जो वाष्प दाब आ रहा है वो राउल्ट के नियम से आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या वास्तव में ये जो विलयन है इतना वाष्प दाब बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक उपकरण जोड़ देते हैं। तो मान लो हमने यहाँ से कोई एक उपकरण लगा लिया, यहाँ से सपोज करो एक कोई उपकरण लगा लिया और उपकरण लगा के इसका वाष्प दाब हमने चेक किया। तो जब उपकरण लगा के वाष्प दाब चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 72 mm आ रही है। देखो जब तुम कैलकुलेट किए तभी कितना आया? 72 आया है। और जब उपकरण से इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब भी कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। इसका मतलब हर दशा में जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रहा है। तो जब हर दशा में वैल्यू सेम आने लगे तो उसी को हम बोलेंगे कि ये आदर्श विलयन है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर मान लो ये वैल्यू सेम ना आता, तो सेम ना आता तो क्या होता? या तो ज़्यादा होता या तो कम होता। तो या तो ज़्यादा हो चाहे कम हो तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो ये वैल्यू हो गया 80 और ये वैल्यू हो गया 60, तो राउल्ट के नियम से वैल्यू कितना आया है? 72 आया है। पर यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है? 80 आ रही है, या तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है? 60 आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है वो राउल्ट के नियम के वाली वैल्यू से विचलित हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो होगा वो अनादर्श विलयन होगा। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, अब देखो अगर वैल्यू ज़्यादा हो गया तो हम बोलेंगे कि राउल्ट के नियम से इसका विचलन ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब ये धनात्मक विचलन हो रहा है। ठीक है, और अगर वैल्यू कम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि राउल्ट के नियम से इसका विचलन हुआ है पर ऋणात्मक विचलन हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो
अनादर्श विलयन होते हैं वो दो टाइप के विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक एक धनात्मक विचलन और दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन के कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो आदर्श विलयन किसे कहोगे? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श। इसको पॉइंट आउट करो, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये भी नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ये पहला पॉइंट हो गया। राउल्ट का नियम होता है क्या? देखो राउल्ट का नियम होता है पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। ये वाला जो वाष्प दाब निकाल रहा है वो कौन सा वाला है? ये उपकरण वाला है जो तुम उपकरण से मापे हो, और ये वाला कौन सा है? राउल्ट के नियम वाला। तो उपकरण वाला वाष्प दाब और राउल्ट के नियम वाला वाष्प दाब अगर दोनों सेम हो गया तो ये क्या कहलाएगा? आदर्श कहलाएगा। अगर मान लो अनादर्श है तो ये वाला जो मान होगा वो सेम नहीं होगा। तो सेम नहीं होगा तो या तो ये ज़्यादा होगा या तो कम हो गया। मान लो अगर हमको धनात्मक विचलन देखना है तो धनात्मक विचलन देखना है तो ये जो उपकरण वाला दाब है वो ज़्यादा होगा, और ये जो राउल्ट वाला दाब है पी नॉट बी एक्स बी वो क्या होगा? कम होगा। और ऋणात्मक विचलन देखना हो तो क्या है? जो उपकरण वाला है वाष्प दाब वो कम आने लगेगा, मतलब अब जो पी है वो कम हो गया और राउल्ट नियम वाला जो दाब है वो ज़्यादा हो गया। ये बोले इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, अब देखो अगर आदर्श विलयन है तो इसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना तो आयतन का प्रभाव पड़ेगा ना तो उसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर हम अगली बात करें तो हम पूछें कि बताओ इसमें कोई आयतन का परिवर्तन होगा, तो बोलोगे कि सर नहीं, आयतन का परिवर्तन नहीं होगा, जीरो होगा परिवर्तन। इसका मतलब ना तो आयतन बढ़ रहा है ना तो आयतन घट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखो अनादर्श है तो आयतन में परिवर्तन होना ही है। अब आयतन में परिवर्तन कैसे होगा? धनात्मक है तो वैल्यू क्या होगी? जीरो से ज़्यादा होनी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और अगर मान लो ऋणात्मक है, अगर मान लो ये ऋणात्मक है तो जो डेल्टा वी है वो उसकी वैल्यू जीरो से क्या होनी है? कम होनी है। वैल्यू जीरो से अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये धनात्मक है, ठीक है, और वैल्यू अगर जीरो से कम है इसका मतलब ये क्या हो गया? ऋणात्मक है। और धनात्मक का मतलब हो गया कि जो आयतन होगा वो तुम्हारा आयतन बढ़ता है, और अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा आयतन है वो क्या होता है? घटता है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊष्मा का प्रभाव अगर हमको देखना हो तो देखो, आओ देखें, डेल्टा एच आदर्श विलयन के लिए कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो धनात्मक विचलन है तो डेल्टा एच क्या हो गया? जीरो से ज़्यादा हो गया। और वही अगर ऋणात्मक है तो जो डेल्टा एच है वो बताओ क्या हो गया? जीरो से कम। जीरो से बड़ा मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? पॉजिटिव आएगी, धनात्मक वैल्यू आएगी। और जीरो से कम मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? ऋणात्मक वैल्यू आएगी। अगर डेल्टा एच जो है वो निगेटिव आता है तो उसको हम कहते हैं कि ऊष्मा छेपी हो रहा है। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। अगर ऊष्मा निकलता तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा छेपी, और डेल्टा एच जब ऋणात्मक होता है तभी ऊष्मा छेपी कहलाता है। उसी तरीके से अगर डेल्टा एच की वैल्यू मान लो ये पॉजिटिव हो गया,
तो हम बोलेंगे ये उष्मा शोषी है, और उष्मा शोषी का मतलब हो गया उष्मा लिया जा रहा है। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो बताओ क्या हो गया, उष्मा शोषी। और यहां पे क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। मतलब ये हो गया कि अगर धनात्मक विचलन हो रहा है तो उष्मा को लिया जाएगा, और ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो उष्मा को निकाला जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो और देखें, अगर सपोज करो कि हम एक क्या किए कि विलयन बनाए, ये जो विलयन है ये वाला वो ए और बी से मिलके बना है, तो ए और बी से मिलके बना तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई आकर्षण होगा। अच्छा अगर यहाँ ए और बी से मिलके बना है तो ए अलग होगा, ये ए अलग होगा और बी अलग होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो ए बी का विलयन बनेगा। तो जब ए है तो ए और ए के अणुओं के बीच में आकर्षण होगा, और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण होगा, ठीक। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा, ए बी के बीच का आकर्षण होगा, ठीक। अगर मेरा विलयन आदर्श है, तो जब आदर्श विलयन है तो उस केसेज में यहाँ पर जो ए बी के बीच का आकर्षण है वो ए ए और बी बी के आकर्षण के बराबर होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो धनात्मक है, तो धनात्मक है तो धनात्मक में बताओ मेरे को करना क्या, ये मान लो धनात्मक हो गया, सपोज करो कि ये धनात्मक हो गया। देखो धनात्मक में होना क्या है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा लानी है और ये वाली वैल्यू को हमको कम लाना है। ये वैल्यू वैल्यू तभी ज्यादा आएगा जब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ना है तो बताओ इनके बीच का आकर्षण प्रबल होना चाहिए कि दुर्बल होना चाहिए? दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि दुर्बल होगा तब भी आसानी से क्या होगा, टूटेगा, और जितनी जल्दी से बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा। तो अगर इसका वाष्प दाब ज़्यादा करना है तो हमके इनके बीच का आकर्षण क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो ये बात याद रखना कि अगर धनात्मक विचलन है तो ए बी का जो आकर्षण होता है इसका आकर्षण कम होता है, और इनका आकर्षण क्या होता है, इनका आकर्षण अधिक होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो अब देखो अगला, हमको ऋणात्मक विचलन देखना है, तो ऋणात्मक विचलन में देखो क्या है ना, इनकी वैल्यू कम करनी है और इनकी वैल्यू हमको ज़्यादा करनी है। हमने बोला ना कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा करनी होगी उनको कमजोर करना, तो देखो इनको कमजोर करोगे, कमजोर करोगे तभी क्या होगा, जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो तो इसका मतलब इनका ये जो आकर्षण है अब ज़्यादा होगा, आकर्षण अधिक होगा यहाँ पर, और इनका जो आकर्षण है आकर्षण कम होगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ पाए? चलो आओ देखें नेक्स्ट क्या है। एक बात याद रखना कि कोई भी विलयन जो होता है वो आदर्श विलयन नहीं होता है, आदर्श विलयन एक कल्पना वाला विलयन होता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर विलयन जो है वो एकदम अत्यधिक तनु है, तनु का मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, उस केसेज में विलयन जो है आदर्श होने की संभावना है, पर कोई भी विलयन वास्तव में आदर्श विलयन नहीं हो सकता। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वही चीज़ मैंने लिखाया कि जो आदर्श विलयन होते हैं काल्पनिक विलयन होते हैं, कोई भी विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार नहीं करता, परंतु उच्च तनुता पर आदर्श विलयन व्यवहार प्रदर्शित हो सकता है, ठीक है। चलो इतनी बात तो हम समझे गए होंगे, ओके। अब देखो आदर्श विलयन का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आदर्श विलयन का एग्जाम्पल बताना बड़ा आसान है आपके लिए। देखो ट्रिक है कि जिसमें चीज़ें सेम दिख जाएगा तो वो समझ लेना कि आदर्श विलयन है। जैसे मैं मेरे सामने एक एग्जाम्पल है,
यहाँ लिखा हुआ एन हेप्टेन और एन हेक्जेन। अब तुमसे ये पूछेगा कि बताओ ये आदर्श है कि अनादर्श है, तो देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी क्या है एन है, तो जब चीज़ें सेम दिखने लगे तो समझ जाना कि वो आदर्श में जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लगा है क्लोरो एथेन और यहाँ पे बताओ क्या है ब्रोमो एथेन, तो एथेन एथेन क्या हो गया सेम हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा आदर्श होगा। ये देखो बेंजीन है ये टालुइन है, ये बेंजीन रिंग है और ये देखो बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो चीज़ें तो सेम दिख गई ना, तो ये क्या कहलाएगा आदर्श। अब हम देखेंगे अनादर्श विलयन के कुछ उदाहरण। तो अनादर्श में कितने होते हैं, एक तो धनात्मक वाला होता है, दूसरा कौन सा वाला ऋणात्मक वाला, और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखो धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल देखने से लिए मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे, पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हमारे पास जो विलयन है वो धनात्मक है और उस विलयन में कहीं से तुमको एल्कोहल दिख जाए या तो कार्बन डाइसल्फाइड दिख जाए या CCl4 दिख जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो पहचान लेना कि वो क्या है धनात्मक विचलन वाला है। जैसे देखोगे ये एसीटोन है और इस एसीटोन के साथ एथिल एल्कोहल मिलाया गया है, ये OH जो होता है ना वो एल्कोहल को बताता है। तो देखो ना यहाँ पे एल्कोहल आया ना, तो जब भी एल्कोहल आएगा तो क्या हो गया धनात्मक विचलन हो गया। उसी तरीके से देखो ये एसीटोन है और इसमें क्या मिला हुआ है CH2, तो ये भी कौन सा है धनात्मक विचलन। देखो ये एल्कोहल आया पानी के साथ, ये वाला एग्जाम्पल बड़ा फेमस एग्जाम्पल है धन, ठीक। तो देखो ये एल्कोहल आया ना, तो जब भी एल्कोहल आ जाए CH2 आ जाए या CCl4 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ देखो CCl4 आ गया। उसी तरीके से अगर हमको मान लो ऋणात्मक विचलन देखना है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कौन सा ट्रिक फॉलो करोगे। सामान्यतः क्या होता है ना कि अगर ऋणात्मक विचलन है तो सामान्यतः कोई ना कोई अम्ल जरूर होगा। जैसे देखो ये पानी है और HNO3, HNO3 क्या है नाइट्रिक अम्ल है, अम्ल है ना। उसी तरीके से देखो ये पानी है और ये क्या हो गया HCl है। उसी तरीके से इसमें देखो क्या है ये एसिडिक एसिड है, तो जब एसिड आ जाए तो तुम क्या बोलोगे कि वो ऋणात्मक है, और CCl4 या CH2 या तो एल्कोहल आ जाए तो उसको क्या बोलोगे कि वो जो है धनात्मक विचलन है, और चीज़ें जब सेम दिखने लगे तो क्या बोलोगे कि वो आदर्श विलयन है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।